प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक ऐसी समस्या है जो 60 साल की उम्र के बाद लगभग 70% पुरुषों में मिलती ही है। इसकी वजह से किसी को कम तो किसी को थोड़ी ज़्यादा समस्या होती है। जैसे कि जिस व्यक्ति का प्रोस्टेट एनलार्ज है उन्हें यूरिन वॉइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें यूरिनेशन में पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। कई लोगों को इस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक हो जाते हैं और ऐसे में उस व्यक्ति की किडनी पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी में डैमेज हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, यहाँ तक कि किडनी में इन्फेक्शन तक हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों के साथ ये समस्या इतनी फेटल हो गई है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर और इस वजह से उनकी डेथ तक हुई है। तब आप समझ रहे हैं कि ये समस्या कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए। आप तो नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, आपको समस्याएं हों। इसके लिए करना क्या है आपको, आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। क्या उपाय हैं, क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए, क्यों ये समस्याएं होती हैं, कैसे होती हैं, और क्या इसमें कोई एक्सरसाइज भी की जा सकती है, इन्हीं सब पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, इसे ध्यान देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टू प्लानिंग हेल्थ केयर्स आगरा से। आपको एनलार्ज प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट बताने के पहले से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो भी लोग शुगर का सेवन करते हैं या मीठे के नाम पे गुड़ का सेवन करते हैं, कि सर हम तो चीनी खाते ही नहीं, हम तो गुड़ का सेवन करते हैं, उन्हें भी इसका सेवन तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के मीठे का सेवन आप छोड़ दें, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाता है बॉडी में, आपको इन्फ्लामेशन कर सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट भी आपका एनलार्ज हो सकता है। आपको तला भुना फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको समस्याएं कर सकता है, प्रोस्टेट को एनलार्ज होने में प्रोत्साहित कर सकता है या उसको बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, आपको पानी खूब पीना चाहिए, और आपको अपना विटामिन डी 3 अप्रोप्रिएट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका जो नॉर्मल लेवल है या मिनिमम लेवल 30 होता है, तो आपका जो विटामिन डी 3 का लेवल है वो आप 40 या 45 तक रखे हुए हैं और आप खुश हो रहे हैं कि हमारा तो विटामिन डी 3 बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं है। आपका विटामिन डी कम से कम 65-70 के आसपास लेवल में होना चाहिए, तब जाकर हम ये मानेंगे कि आपका विटामिन डी ठीक है और आप स्वस्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने एनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए, उसका नाम है सीरोपेप्टेज। ये एक तरह का एंजाइम होता है और 70-80% लोगों को ये फ़ायदा करता ही है। जो इसकी नॉर्मल जो इसकी यूजेज है, डोज है, वो है 120,000 SPU। आपको ये किसी भी ब्रांड में मिल जाएगा जिसका आप सेवन कर सकते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप को ये तुरंत फ़ायदा कर ही दे। कुछ लोगों को कम समय में इसका लाभ मालूम पड़ जाता है, तो कुछ लोगों को इसका लाभ मालूम पड़ने में समय लग जाता है। आपको इसका सेवन लगभग खाना खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए और 3 से 4 हफ्ते में आपको इसका फ़र्क दिखने लगेगा, आपका इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगा। पर एक चेतावनी, अगर आप इसका सेवन करते हैं, सीरोपेप्टेज का सेवन करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने इसका सेवन किया, आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो आप कहोगे अरे ये चीज़ तो फ़ायदा ही नहीं कर रही। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि आपकी बॉडी इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसे ठीक से कर सके और आप इसको झेल सकें, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको झेल सकें। आपको इसका सेवन रात को 1 चम्मच करना चाहिए। आप इसके साथ साथ फल, सब्जियाँ, पपीते, अमरूद का सेवन भी करिए, जिससे आपका जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो नियंत्रण में बना रहे। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आप ठीक ठीक समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहें तो आप सीरोपेप्टेज का सेवन आरंभ कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस अवश्य रखिएगा। कई बार क्या होता है, जब आपका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो आपको सिम्टम रिजेंबल करते हैं कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपको इंडाइजेशन की शिकायत हो रही है, आपको यूरिनेशन में समस्या हो रही है, और आपको डायरिया हो रहा है। ये सभी समस्याएँ होती हैं। इन सब के लिए आप वरुण का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वरुण आदि नहीं, केवल वरुण का प्रयोग करिए। आप वरुण की छाल का सेवन कर सकते हैं, आप वरुण के क्वाथ का सेवन कर सकते हैं, या आप इसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। यदि आप छाल और क्वाथ का सेवन करते हैं तो आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। सुबह नाश्ते का 1/2 घंटा पहले या शाम को डिनर के पहले आप इसकी चाय बनाकर पी लीजिए, यह आपको फ़ायदा करना शुरू कर देगी कुछ दिनों में। और अगर आप इसके पाउडर का सेवन करते हैं तो वरुण के पाउडर का सेवन आप 1 चम्मच कर सकते हैं सुबह खाली पेट। आप पानी के साथ इसको ले लें, यह आपको फ़ायदा करेगा। हाँ,
जैसा हमने कहा कि आपको इसके साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का और ख्याल रखेंगे, जैसे कि आपकी पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन रखिए, अपने प्रीनियल एरिया को क्लीन रखिए, आप यूरिनेट करने जाते हैं ख्याल रखें कि वो जगह साफ़ सुथरी रहनी चाहिए जिससे आपको इन्फेक्शन ना होने पाए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब ये तो बात हो गई आपके ट्रीटमेंट्स के बारे में, हम फिर कह रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं कि ये सभी चीज़ें आपको फ़ायदा कर ही देंगी इंस्टेंटली, आपको इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें अपना असर दिखाना शुरू कर सकें और तब जाके आपको इसका फ़ायदा मालूम पड़ना शुरू होगा। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है, पर आपको मालूम भी तो पड़ना चाहिए स्वयं से कि आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है या आपको इस समस्या की शुरुआत हो रही है। किन सिम्टम्स को जानकर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें आपको ये भी पता होना चाहिए, जिससे आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस कराकर इसका समय से इलाज कराकर अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो जो सबसे पहला है कि आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, आपको डिस्कम्फर्ट शुरू होगा, आपको पेन हो सकता है, आपकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट, आपको यूरिन वॉइड करने में पेन रहेगा, बर्निंग रहेगी, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरे में ही बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ये सारे साइन सिम्टम्स होते हैं आपको यूटीआई होने के। कई बार पेशेंट्स को नॉक्टूरिया होता है, अर्थात उनको रात में यूरिनेशन की समस्या ज़्यादा होती है, उन्हें रात में एक से कहीं ज़्यादा बार उठना पड़ता है यूरिनेशन करने के लिए। ऐसे में पेशेंट्स को हेजिटेंसी होती है, अर्थात यूरिनेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, एकदम से यूरिन नहीं आती और बहुत डिफ़िकल्टी होती है, पेन भी बढ़ जाता है। तो ख्याल रखें इन चीज़ों का जो आपको अभी हम बता रहे हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी शिकायत हो रही है तो अपने फैमिली फिजिशियन से या फिर किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क अवश्य से करें। कई बार ऐसे व्यक्ति को ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, अर्थात यूरिन करने के बाद भी आपकी यूरिन निकल सकती है, और कई बार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कैंसर होने की शिकायत भी हो जाती है। आशा करते हैं आप ये सभी चीज़ें समझ रहे होंगे, इन पर आप ध्यान देंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, इसके लिए चाहें तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, आपकी वो बेहतर हेल्प कर पाएंगे। हाँ, हमारी तरफ से जो हेल्प है वो हो सकती है इसके बारे में एक्सरसाइज बताने को लेकर, जो जिस पर अभी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप चाहें तो हमें कॉल करके अपने हड्डियों मांसपेशियों नसों से संबंधित भी कोई समस्या आपको हो रही है तो हमसे बात कर। अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता क्यों है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी वजह होती है DHT, जो कि टेस्टोस्टेरोन के ब्रेकडाउन पर प्रोड्यूस होते हैं। कई बार प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन की वजह से प्रोस्टेट ग्रो करने लगता है, जिस वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जो वहाँ से पास होता है उसका ल्यूमन पतला होने लगता है, या कहें तो प्रोस्टेट उसे पुश करके सिकोड़ देता है, जिस वजह से जो ल्यूमन है वो पतला हो जाता है और ये समस्याएं पड़ने लगती हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों प्रोस्टेट बढ़ने पे लोगों को यूरिनेशन में समस्या होती है, यूटीआई होता है या फिर यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम जाती है। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टाइटिस हो गई, तब भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगा और आपको ये सभी समस्याएं होंगी जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कई बार लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिस वजह से प्रोस्टेट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है और फिर लोगों को समस्याएं शुरू होती हैं, जैसे कि पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, किडनी में स्टोन डेवलप होना या फिर किडनी का डैमेज हो जाना। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है प्रोस्टेट का जो माइक्रोबायोम है उसके का चेंज हो जाना, क्योंकि इस वजह से कई बार क्या होता है सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, सेल की ग्रोथ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं प्रोस्टेट एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। कई बार प्रोस्टेट में हाइपोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है और एनलार्ज हो जाती है, क्योंकि इस वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है वहाँ पर। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं होगी, अगर होगी तो कम होगी। इस पर भी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या डैमेज होता है बीपी बढ़ने की वजह से। इसलिए आपको अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी रहनी चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। ऐसे कई सारे फूड हैं, ऐसे कई सारे खाद्य पदार्थ हैं या उनका खाना आपके लिए पॉइजन खाने से कम नहीं है, जहर खाने से कम नहीं होगा, तो आपको उनसे भी बचना चाहिए। अगर आप डरना चाहते हैं ऐसे कौन से पॉइजनस फूड हैं जिनसे आप बचे, तो ये वाला वीडियो डाल कर देखिए जिसका लिंक हमने आपकी लाइक में ड्रॉप करा है। अब बात कर लेते हैं
उन योगाभ्यास के जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कौन से ऐसे योगाभ्यास हो सकते हैं जिन्हें करने से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो शेप में बनी रह सकती है, आपको समस्याएं नहीं होंगी। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोकने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें पहला जो आपको योगाभ्यास करना है वो है बटरफ्लाई के रूप में। आप एक बेड पर ठीक से बैठ जाएं, इसके पश्चात दोनों पैरों का ऐसे लॉक बनाएं, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर लॉक बना लें और फिर आपको बटरफ्लाई मूवमेंट करना है कुछ इस प्रकार से। आपके दोनों पैर ऊपर नीचे जाने चाहिए, इससे आपके जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, जो ये सारी मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर की, इनका मूवमेंट होगा और इनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जिससे पेरिनियल एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर बना रहेगा, आपको हाइपोक्सिया जैसी शिकायतें नहीं होंगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम रहेंगे। आपको यही एक्सरसाइज आपको अगर परफॉर्म करनी है तो इसका एक तरीका और होता है, आप एक बेड पर लेट जाएंगे, पहले करवट से लेटिए, फिर आप सीधे हो जाइए कुछ इस प्रकार से, और तब आप बटरफ्लाई मूवमेंट कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ के रख लीजिए, पंजे को आपस में मिला लीजिए, एड़ी को आपस में मिला लीजिए और फिर ये मूवमेंट परफॉर्म करिए। चाहे तो अपने हाथों को आप नाभि के ऊपर भी रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर इस मूवमेंट को आप परफॉर्म करिए धीमे धीमे। कोशिश करेंगे कि ये जर्की मूवमेंट्स ना हो, आराम आराम से एक स्पीड से मूवमेंट करें और अंततः गत्वा दोनों पैरों को मिलाकर रखें और हाथों से दोनों पैरों को नीचे दबाने का प्रयास करें कुछ इस प्रकार से। आपके दोनों घुटने फ्लोर को लग जाने चाहिए, जिससे कि आपकी मसल में मैक्सिमम स्ट्रेच डेवलप होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, क्या आप इसके लिए इलाज कर सकते हैं, इससे आपको स्वस्थ रहने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिस वर्ग को प्रोस्टेट की समस्या होती है बट इसके बारे में वो बात नहीं करता। पर जानना सभी लोग अवश्य चाहते हैं कि कैसे इसको रिलीव करेंगे, से दूर रह सकते हैं, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज हमने आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बताई है इसके बारे में। कई सारी एक्सरसाइज आसन और होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोकने के लिए, इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए हमने समअप करें एक वीडियो के अंदर। राइट वीडियो देखिए, और नी पेन रिलीफ कैसे कर सकते हैं लेफ्ट वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।